नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आशीष सैनी और वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज जिस के बारे में बात करेंगे कि गुर्दों के रोग की क्या पांच पहली निशानियां होती हैं, तो क्या पांच चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, अगर वो आपके साथ हो रही हैं तो हो सकता है कि गुर्दे खराब हो रहे हों, तो उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चैनल पर बने रहिए और अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइबर बटन को क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें इफ़ यू वांट कि इस तरह के वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो सबसे पहले जो है वो हम चर्चा करने जा रहे हैं कि गुर्दों के रोग में सबसे पहली क्या निशानी हो सकती है, कि आपको जो आपका पेशाब है, जो यूरिन आप कर रहे हैं, वो फोमी हो सकता है, उसमें जो है वो थोड़ा सा धुंधला हो सकता है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं होता। तो नॉर्मल जो यूरिन है एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है, अगर हम पानी कम लेते हैं तो वही जो यूरिन होता है थोड़ा सा पीलेपन पे आने लगता है, जैसे जैसे पानी की मात्रा कम होती है वो यूरिन गाढ़ा होने लगता है। लेकिन अगर वो फोमी होने लगता है, अगर उसमें झाग आने लगते हैं, तो ये पहली निशानी हो सकती है कि गुर्दे खराब हो रहे हैं। नंबर दो, अगर आपको लगता है कि आपका पूरे शरीर में आप कमजोरी महसूस करते हैं, आप कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक निशानी होती है गुर्दे के रोग की। क्यों होती है ऐसी, क्या वजह है इसकी? क्योंकि जो गुर्दे होते हैं वो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन, जो ब्लड है उसकी उसको प्रोड्यूस करते हैं एरिथ्रोपोएटिन की वजह से, और इसीलिए अनीमिया की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपको कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम हो, आपके शरीर में कमजोरी हो। नंबर तीन, आपकी जो है आंखों के चारों तरफ जो ये, अगर सुबह इसको हम बोलते हैं फेशियल पफिनेस, कि सुबह सुबह अगर जब हम उठते हैं तो अगर आंखों के चारों तरफ आपको लगता है कि सूजन आ गई है, आंखें जो है सही से खुल नहीं रही हैं, कुछ लोग होते हैं इनकी आंखों में ऑलरेडी जो है थोड़ी बंद रहती है, वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको अभी ऐसा महसूस होने लगा है कि आंखों में सूजन आ रही है और ये बंद नहीं हो रही, ठीक से खुल नहीं रही है, फेशियल पफिनेस है, पूरे शरीर में सूजन नहीं है लेकिन सिर्फ जो है फेस वाले रीजन पे अगर सूजन है, तो ये तीसरी निशानी हो सकती है गुर्दे के रोग की। इसके अलावा चौथे नंबर पे क्या हो सकता है, चौथे नंबर पे अगर आपको पैरों में सूजन है, अगर आपके सिर्फ नीचे जो हमारे घुटने से नीचे जो पैर वाला जो एडी वाला जो रीजन है, अगर उसमें सूजन आ रही है, तो ये भी गुर्दे की खराब होने की निशानी हो सकती है। देखिए गुर्दे जो होते हैं हमारे, ये बहुत ही एक एफिशिएंट ऑर्गन है, भगवान ने जो भी ऑर्गन बनाए हैं बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, लेकिन जब ये दो तिहाई से भी ज्यादा खराब हो जाते हैं तो हमारा जो है यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है और ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा कि किन पेशेंट्स में जो है हमें ज्यादा ध्यान रखना है, किन पेशेंट्स में जो है ये बीमारी अगर हम सही टाइम पे पकड़ें, क्योंकि जो सीकेडी है या गुर्दे के रोग की जो बीमारी है ये बढ़ती जा रही है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है ये आगे चलने आने वाली हैं, तो इनको हम कैसे, इसके लक्षण को हम पहले करें, पहले पता करें और इसको हम जल्द से जल्दी ठीक करें। इसके बाद नंबर पांच में क्या है कि आपको ड्राई या इसके जो है इची स्किन हो सकती है। अगर नॉर्मली कुछ लोगों की ड्राई स्किन होती है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अब जो है स्किन का टेक्सचर चेंज हो रहा है, मुझे खुजली हो रही है, इची हो रही है, बिकॉज जो टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारे शरीर में जो खराब पदार्थ होते हैं वो गुर्दा निकालने की कोशिश करता है, जब वो खराब होने लगता है तो ये पदार्थ जो है हमारे शरीर में इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं, उसी की वजह से यूरिया क्रिएटिनिन या किडनी फंक्शन टेस्ट डिरेंज होता है और उसी की वजह से दिक्कतें आती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये हमने आज पांच बातें करी, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं हमारे चैनल में, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.ashishsaini.com। और अंत में जो बोनस जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि अगर आपके घर में डायबिटीज है, अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, अगर आपके तीसरे नंबर पे अगर आपके किसी परिवार में जो है गुर्दे की समस्या है, जैसे भाई बहनों को किसी को डायलिसिस की जरूरत पड़ी कभी, या किसी का गुर्दा जो है प्रत्यारोपण या रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है, तो ऐसे पेशेंट्स में जो है आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हर 3 से 6 महीने पे आपको अपने जो है टेस्टिंग करानी है, ब्लड टेस्टिंग करानी है, किडनी फंक्शन टेस्ट कराना है, ताकि जल्दी से जल्दी अगर कोई परेशानी होती है वो विकट समस्या का रूप ना ले ले, उससे पहले उसका निदान हो जाए। अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो इसको प्लीज लाइक करिए और मेरे सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करिए, मुझे इसकी बड़ी खुशी होगी। कोई भी कमेंट आप लिखना चाहते हैं
कोई देना चाहते हैं तो आप उसको दे सकते हैं, और मैं जैसे ही समय होगा मैं उसको ज़रूर आपको रिस्पॉन्ड करूँगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।